नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर दिव्यांग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्हीलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा के तत्वाधान में अनेक नए सदस्यों को नए पदों पर सदस्यता ग्रहण करवाई और सभी को NCP का पट्टा उड़ाकर पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम में जुगल चावला, अमित कुमार, अतिवीर कुमार व पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर देश की स्थिति के बारे में बात की और बताया कि देश में जिस तरह से हालत पैदा हो रहे हैं, इससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोग पहले लॉकडाउन की मार झेल चुके हैं, जिससे वह पूरी तरह आहत हुए अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। कोरोना के चलते आज फिर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इसमें केजरीवाल अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। 1 साल से कोरोना देश में अपना कहर बरसा रहा है। सर, सरकार हमारी महाराष्ट्र में है, आप ये देखिए, हमारे महाराष्ट्र में हमारे पास जितना पावर है, जो हमारे मिनिस्टर, आप ट्वीट देखिए, हमारे नवाब मलिक साहब का कल का ट्वीट देख लीजिए, क्या हमारे मंत्री साहब ने ऑर्डर दिए हैं, क्या हमारे मंत्री साहब ने भाषण दिए हैं, हमारे मंत्री जितने भी हैं, हमारे अजीत पवार साहब ने क्या भाषण दिए हैं, और अजीत पवार जी जनता के बीच जा जाकर उनके हालचाल ले रहे हैं, उनके सुख दुख को समझ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। और हम इतना और कहूंगा कि 56 हमारे सांसद देश के अंदर भाजपा के अंदर हैं, जो भाजपा वो डॉक्टर्स हैं, एक भी हॉस्पिटल के इंडिया के अंदर किसी हॉस्पिटल में कोई सांसद जा रहा है क्या? हमारी जनता के लोग पिस रहे हैं, हमारी जनता को कोरोना हो रहा है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है और आपके अंदर अगर मेडिकल साइंस कुछ है, अगर आप सांसद बनाए गए हैं, तो अपने लोकसभा में ही जाके आप हॉस्पिटल में जाएं, उनको जायजा लें। हो सकता है कि डॉक्टर्स गलत कर रहे हों, क्या परिस्थितियों द्वारा क्या परिस्थितियाँ हों जो आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो हमें आज बहुत चिंता का विषय है भारत सरकार पे और राज्यों की सरकार पर, कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ मीडिया में आके फोकस हो रहा है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज काम हो गया है कि प्रेस को बुला लो, प्रेस बुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। हम वो व्यक्ति हैं, हमारी पार्टी के नेता वो हैं, तो झुग्गियों में जाते हैं हालचाल लेते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं हालचाल लेते हैं। तो फिर क्यों केजरीवाल ने अस्पतालों में व्यवस्था नहीं की? मेरा सवाल केजरीवाल से यह है कि इस लॉकडाउन से दिल्ली वासियों को और कितनी परेशानी से गुजरना पड़ेगा और कब तक बार बार लॉकडाउन लगाया जाएगा? पूरा देश जान रहा है, पूरा देश संकट में जूझ रहा है, एक खुशी का कोई दौर नहीं है। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मैं आज के दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, जो कि बहुत संकट के जूझ जूझ के अपने एक एक खबर को एक एक व्यक्ति पूरे जन जन तक पहुंचाते हैं। और आज आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कीमती समय निकालकर और हमारी आवाज़ को दिल्ली और देश और दुनिया में पहुंचाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सभी पत्रकारों का सहयोग और साथियों का आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री पद पर हमारे भाई रहमत अली जी को आज जिम्मेदारी सौंपी गई है, दिल्ली प्रदेश प्रभारी, जो कि आज तक किसी भी पार्टी ने कोई मुस्लिम चेहरे को आगे नहीं लाए हैं। हमारी पवार साहब का एक ऐसा चेहरा है, पवार साहब का ऐसी एक राजनीतिक नीति है, जो कि ना हिंदू समझते हैं, ना मुसलमान समझते हैं, ना SC समझते हैं, ना ST समझते हैं, ना OBC, सबको मानवता के साथ रखते हैं, सबको मर्यादा के साथ रखते हैं, सबको एक समान रखते हैं। तो इसी के उद्देश्य के साथ, पवार साहब के शब्दों के साथ, उद्देश्यों के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज हमें रहमत अली जी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से मुस्लिम भाइयों का, बहनों का जिस तरह से अपमान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करती हुई आ रही है, जातिवाद करती हुई आ रही है। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के धौलाना थाना बछेड़ा निवासी गैंगस्टर इस्ते के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर इस्ते की संपत्ति कुर्क के आदेश, पुलिस प्रशासन ने कराई मुनादी। संपत्ति कुर्क करने की कराई मुनादी, 1,50,00,000 की संपत्ति होगी कुर्क। मकान के बाहर लगाया कुर्क का नोटिस। हापुड़ जनपद में इस्ते पर दर्ज है 40 से अधिक केस। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर।
शहर की देवी व भैरव मंदिरों पर चढ़ाई गई मंदिरों की धार व बाकले परंपरा अनुसार महाअष्टमी पर्व पर प्रशासन की ओर से नगर की देवी के भैरव मंदिर पर मंदिर की धारा चढ़ाकर पूजा अर्चना किया जाता है। ऐसी श्रृंखला में मंगलवार की महाअष्टमी पर्व पर कलेक्टर आशीष सिंह 24 सितंबर माता मंदिर पर पूजन अर्चन कर महापूजा प्रारंभ की, जिसमे तहसीलदार कोटवार सहित नगर प्रशासनिक अधिकारी नगर के 64 योगिनी हरि सिद्धि गढ़लिका सहित अन्य देवी मंदिरों व भैरव मंदिरों पर मदिरा की धारा चढ़ाकर नगर की सुरक्षा की प्रार्थना की। देखिए उज्जैन शहर में महाराजा विक्रमादित्य के समय से ही नगर पूजा का प्रावधान है और ऐसा माना जाता है कि शहर के ऊपर जो भी विपत्तियां आती हैं उनको नगर पूजा के माध्यम से जो है वो दूर किया जा सकता है। आज उज्जैन की संपूर्ण जनता के तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर नगर पूजा मेरे द्वारा संपादित करी गई है और देवी से प्रार्थना करी गई है कि न केवल उज्जैन में बल्कि मध्य प्रदेश में, भारत में, दुनिया में जो भी कोरोना का ये महामारी का दौर है ये बहुत जल्द ख़त्म हो और पूरे विश्व में पहले की तरह एक जो सामान्य जीवन दशा है उसका प्रारंभ बहुत अतिशीघ्र। देखिए जो यहाँ की परंपरा है नगर पूजा की उसका पूरी तरीके से निर्वहन किया गया है और साथ में देवी से प्रार्थना की गई है कि कोरोना का संक्रमण बहुत जल्दी खत्म हो। यह क्या है कि शुरू से अनंत काल से विक्रमादित्य समय तक नगर पूजा होती आई है और समय समय पर जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो नगर पूजा यहीं से होती है और माता से विनती की जाती है इस कष्ट को समाप्त कर और जो महाभोग लगता है माँ का अनादिकाल मतलब एक शताब्दी वर्ष तो उपाध्याय परिवार को हो गया है जो मुरुगन से बनता है सरकारी भोग जो उसके अंदर चावल दही शहद और शक्कर इन तरह का महाभोग माता को लगता है। ये परंपरा शुरू से चली है। मदिरा भी चढ़ाई जाती है मदिरा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ तो अपना एक वो भोग है उनका माँ का वो भोग को चढ़ाई जाती है। कितने किलोमीटर चढ़ेगी अभी है? ये चलेगी 118 किलोमीटर। ठीक है पंडित जी, आपका नाम बताओ। सुभाष उपाध्याय। BCN न्यूज के लिए मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। दतिया में प्रतिदिन निकल रहे हैं कोरोना से संक्रमित लोग, जिसका मुख्य कारण बेवजह लोगों का घर से बाहर निकलना एवं लोगों का लोगों के संपर्क ना हो बताया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने न्यू कलेक्टर में पत्रकार वार्ता की। वार्तालाप के दौरान कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से दतिया लगभग 10 की आबादी वाले जिले की जनता से विगत कोरोना कर्फ्यू के शेष दिनों में दतिया की जनता से टोटल घरों में ही रहने की अपील की। कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया वासियों से कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क से फैल रही है और यदि ऐसा ही रहा तो दतिया की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है कि आने वाली विपत्ति को संभल सके, इसलिए संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन कर्फ्यू के शेष दिन कठोर रहेगा, इसलिए अपने घरों में पूर्ण रूप से लॉक हो जाए। जिनकी यहाँ शादी है वह दोनों परिवार आपस में ही इसका समाधान निकाले। इस प्रेस वार्ता दौरान जिला पंचायत CEO अतेंद्र सिंह गुर्जर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी RB कुरले, जनसंपर्क अधिकारी भारती उपस्थित रहे। माध्यम से दतिया जिले के जनता से सभी प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि जिले में संक्रमण की स्थिति अभी तेज़ गति से बढ़ रही है और उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है और ये संक्रमण बढ़ता है आदमी से आदमी के मिलने से, लोगों के मूवमेंट से। संक्रमण का एक ही तरीका है कि लोग एक स्थानों से दूसरे स्थानों पे ना जाए और आवाजाही रोकें, लोग अपने घरों में रहना प्रेफर करें अभी कुछ दिनों के लिए, कम से कम नेक्स्ट 8 दिन जो है वो अपने घरों में रहें। और वैसे सभी लोग अपने अपने कामों को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके पीछे तर्क होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जान बचाना, कोविड के संक्रमण को रोकना और इसको समझते हुए अपने तमाम महत्वपूर्ण कामों को भी टाल दें और फिलहाल अपने घरों में रहें। केवल स्वास्थ्य कारणों से अगर इलाज करना है या दवाई लेना है तो निश्चित तौर से उनको जाना होगा, तो ऐसे बहुत ज़रूरी बहुत बहुत ज़रूरी कामों से निकले, शेष काम टाल दें और अपने घरों में ही रहें। सब्र करने का टाइम है तो इसका जो संक्रमण का दर है वो कम होगा। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।